फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपको पता ही है आरएफ का हिंदी का एग्जाम है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं पेड़ की महिमा। लाते धूप में चार बच्चे आगे बढ़ रहे थे। पूरी सड़क पर कोई वाहन नहीं था। काफी चलने के बाद उन्हें एक छायादार वृक्ष मिला। वृक्ष की छाया में सुस्ताने लगे। कुछ आराम करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी। निक्कू बोला, क्या खाएं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चंदू ने पेट पर हाथ मलते हुए कहा, हाय, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो चारों मुंह लटकाए चुपचाप बैठ गए। तब एक आवाज आई, ओहो, मुझे पत्थर मारो। चारों बच्चे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और अचानक से आवाज आई, मुझे पत्थर मारो। आवाज कहाँ से आई, कौन है? करीम ने पूछा। मैं मम्मा, मेरे को पता है, जो इसका ये पेड़ है ना, यही बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन है? करीम ने पूछा। कोई बोल तो रहा है, पर कौन है? पुत्र बोला। वो इधर उधर देखने लगी। फिर आवाज आई, मुझे पत्थर मारो। चारों ने चौंक कर इधर उधर देखा। इतने में ही फिर आवाज आई। चारों इधर उधर देखने लगे। फिर आवाज आई, मुझे पत्थर मारो। चारों ने चौंक कर इधर उधर देखा। इतने में फिर आवाज आई, इधर क्या देखो, उठो, मुझे पत्थर मारो। ठीक है, बच्चों ने गौर किया और पाया कि आवाज पेड़ से ही आ रही है। वे पेड़ की शाखाओं की ओर देखने लगे। आहा, कितने बड़े बड़े जामुन है। चंदू ने होठों पे छड़ी फेरी। देखा नहीं, पत्थर उठाओ और निशाना साध कर मारो, वृक्ष ने फिर कहा। तो ये सारी बातें कौन बोल रहा था? पेड़ बोल रहा था। ठीक है, देखो नहीं, पत्थर मारो और निशाना साध कर मारो, वृक्ष ने फिर कहा। बच्चों ने सड़क से कुछ पत्थर उठाए और निशाना लगाने लगे। कुछ ही देर में काफी जामुन पेड़ से छड़ गए। बच्चों ने झटपट से सारे जामुन बेल लिए, मतलब उठा लिए। फिर उन्होंने ने पहुंच कर खाने लगे। जी भर के खाने से उनका भूख और प्यास मिट गई। पेड़ ने पूछा, पेट भर गया प्यारे बच्चों? देखो, पेड़ हमारे बारे में कितना सोचते हैं। अगर हम उनको पत्थर भी मारते हैं तो भी वो हमें छाया पर फल देते हैं ना। ट्रीज के बहुत बेनिफिट है। आप देखोगे पेड़ के क्या क्या फायदे होते हैं, अनलिमिटेड फैट फायदे होते हैं। वो हमें मेडिसिन भी देते हैं, जैसे नीम का वृक्ष है, मेडिसिन वगैरह भी बनती है, और भी काफी ट्रीज है। ठीक है, एक तो फल और छाया ही नहीं, वो हमें और भी काफी सारी चीजें देते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं। वुड भी हमें ट्री से मिलती है, जो हम घर वगैरह में बनाते हैं, तो ये भी हमें ट्री से ही मिलती है। ठीक है, फिर उन्हें पूछ कर खाने लगे। जी भर के जामुन खाने से उनकी भूख और प्यास मिट गई। पेड़ ने पूछा, पेट भर गया प्यारे बच्चों? हाँ, धन्यवाद प्यारे वृक्ष बच्चों का। इतने बड़े कई हंस कर बोला। वृक्ष बोला, तुम्हें मेरी छाया और फल अच्छे लगे, धन्यवाद। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसने कहा। वृक्ष ने कहा, नहीं, हमें धन्यवाद तुम्हें देना चाहिए। पेट भरने दिया और छाया भी। हमें क्षमा कर देना दोस्त, डॉक्टर बोला। वृक्ष बोला, क्षमा तो मैं कर दूंगा, बस मुझे एक वादा करो। चंदू ने पूछा, कैसा वादा? अब वृक्ष क्या वादा चाहता है, लेट्स सी। वृक्ष बोला, मेले जा रहे हो ना, वहाँ बहुत सी चीजें खरीदोगे। वहाँ कोई पौधा दुकान मिले तो कुछ फलदार पौधे भी खरीदोगे। इस क्या चाहते हैं कि हम खूब पेड़ पौधे लगाएं, अच्छा वातावरण बने, हमारा स्वच्छ वायु हम ले, वो भी इसमें भी हमारा ही बने। अच्छा ने पूछा, पर पौधों का हम क्या करेंगे? घर जाकर आसपास कहीं सड़कों के किनारे उन्हें लगा देना, ऐसे ही एक दिन उनके फल भी तुम्हें खाने को मिलेंगे। निक्कू ने कहा, ठीक है वृक्ष जी, हम अपने माता पिता के साथ आकर इसी सड़क के किनारे कुछ पौधे लगा देंगे। बहुत लंबी सड़क है, कहीं कोई वृक्ष नहीं है, बस तुम्हें छोड़। तुम अकेले यहाँ कैसे आ गए, बोले तो? करीम ने पेड़ से। एक बार एक किसान और उसके बेटे ने यहाँ पर रोटी खाई, फल खाए,
जामुन के फल। लड़के ने जामुन की दो गुठलियां यहाँ और खाद डाल दी। उसके बाद वे चले गए। दो तीन दिन वर्षा हुई और कोपल फूटी। वही कोपल आज जामुन का पेड़ बन गया। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब चलते हैं, कहकर बच्चों ने वृक्ष से विदा। ठीक है, तो वो वृक्ष कैसे बना था? सबसे पहले जैसे कोई किसान और उसका बेटा बैठा होगा, तो उन्होंने जामुन जामुन खाए होंगे, तो वहां पे गुठलियां बो दी थी, उसमें खाद भी डाल दी थी और ऊपर से बारिश भी हो गई, तो वो एक ट्री बन गया। ठीक है, मेले में पहुंच कर चारों झूले में खूब झूले और खाया पिया। एक दुकान से बहुत पौधे खरीद के भी लौटे। घर पहुंच कर माता पिता को सारी बात बताई। दूसरी सुबह एक टोपी में चारों बच्चे खाद पानी लादे निकल गए। उनके माता पिता भी साथ। बच्चों ने सड़क के किनारे पौधे लगाए। जब वे जामुन के पेड़ तक पहुंचे तो हवा का तेज झोंका आया। देखो बच्चों ने भी ट्री की बात सुनी है ना, उन्होंने भी पौधे लगा दिए। पर वृक्ष से कोई आवाज नहीं आई, बस उसकी शाखाएं और पत्ते हवा में डोलते रहे। तो बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर, आपको समझ आ गई चैप्टर? Yes, तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इसमें हमारा एनवायरनमेंट ही स्वच्छ बनता है और हमारे ही फायदे हैं जितने भी हम पेड़ पौधे लगाएंगे। यस मम्मा, वो हमारा घर वुड की वजह से ही बनता है, वुड हमको पेड़ से ही मिलता है। मेडिसिन वगैरह, छाया, फल, बहुत बेनिफिट्स होते हैं, इसके लिए हमने आपको अलग से समझाया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चारों बच्चों के क्या नाम थे, वे कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के नाम विक्टर, करीम, चंदू और मिक्कू था। वह और मेला देखने जा रहे थे। मुझे पत्थर मारो कौन कह रहा? मुझे पत्थर मारो पेड़ कह रहा था। बच्चों की भूख प्यास किस तरह से मिटी? सड़क के किनारे बच्चों ने पत्थर उठाए और निशाना लगाकर कुछ ही देर में पेड़ से सारे जामुन झड़ गए। बच्चों ने सारे जामुन खाकर अपनी भूख प्यास मिटाई। पेड़ ने बच्चों से क्या वादा करवाया? पेड़ ने बच्चों से फलदार वृक्ष लगाने का वादा करवाया। क्या है प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाएं? प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बच्चे किस मौसम में सड़क पर जा रहे थे? सर्दी, गर्मी, बरसात? और उन्हें प्यास भी लग रही थी ना। बच्चों ने किस पेड़ की छाया में सुस्ताने लगी? आम, बरगद, जामुन? गुड। बच्चे सड़क से पत्थर उठाकर कहाँ मारने लगे, पानी में, सड़क पर या पेड़ पर? पेड़ पर। गुड। जामुन की दो गुठलियाँ किसने बो दी, किसान के बेटे ने, उनके माता पिता ने या चार बच्चों ने? किसान के बेटे ने। गाइज, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।